we are planning this trip. हमारे पास घर है वहाँ। हाँ हाँ आइए आइए। सुबह का ब्रेकफास्ट मिल रहा है हमें आज, स्पेशल आइटम है। सो फाइनली आई एम टचिंग दिस व्हीकल टुडे। इस चीज को केवल टीवी पे देख रहा था मैं। केम छो भाभी, मजा में? हरीश फाल्गुनी जमीन आया सो में? हां अमे પછી રસ્તા માં મે જમી જ લીધો મે કે તો અચ્છા અચ્છા ફોટો આપણે વહા જઈને हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, आप सभी को मेरा नमस्कार। दिस इज़ प्रफुल चोपड़े फ्रॉम माय चैनल पीसेस बकेट लिस्ट। और आज मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है, गर्व महसूस हो रहा है कि जिन इंडिया के पायनियरिंग कैंपर्स को हम यूट्यूब में लॉकडाउन से देखते आए हैं, जिनसे कैंपिंग की प्रेरणा ली है, उन लोगों के साथ हम जुड़ने वाले हमारी महाराष्ट्र राज्य में। और ये जर्नी 10 दिन की रहेगी, पावना से लेके महाबलेश्वर से लेके गोवा तक। स्पेशल थैंक्स टू विवेक शर्मा जी, विक्रम मदन जी और यशोदीप जी। और ख़ास करके फेसबुक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उन्हीं की बदौलत हम लोगों ने इन लोगों को ढूंढा। हमारे इस पावना के कैंपसाइट के लगभग सभी टेंट्स शाम के 6 बजे तक रेडी हो गए थे। और जैसे अंधेरा होने वाला था तो सबसे पहले काम था कि यूटेंसिल्स के लिए जो यूटिलिटी वाटर रहता है वो भरा जाए 35 kg। और कल सुबह की जो चिंता होती है उसका प्रबंध पहले कर लिया गया। और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि वाइल्ड कैंपिंग साइट पे कोई हमें होम डिलीवर्ड बफेलो मिल्क पहुँचा रहा है। और थैंक्स टू यशोदीप पाटिल फॉर इट। अदरवाइज हम तो मिल्क पाउडर में खुश रहते हैं, ना दूध फटने की झंझट ना उबालने की झंझट। जब मन किया चाय बनाई, कॉफ़ी पिया, मिल्क पाउडर के भरोसे जिंदाबाद। और कैंप फायर के सबसे ज़्यादा उतावले छोटे बच्चे होते हैं। देखिए कैसे तुरंत सभी जगह से जमा हो गए और उनका एक ही मकसद है, कैंप फायर स्टार्ट की जाए। वेरी गुड। सो कैंप फायर का तड़का तो लग गया। और आज हमारा फर्स्ट मेनू है 10 दिन के इस प्रोग्राम का। पहला मेनू है चिकन बिरयानी। और हमारा हमेशा एक स्टाइल रहा है कि हम लोग फर्स्ट डे इवनिंग कैंपिंग स्टार्ट करते हैं तो जनरली चिकन ही बनाते हैं, आइदर चिकन ग्रेवी या चिकन बिरयानी। और विंटर नाइट्स रहती है, कभी कुछ स्पॉइल नहीं होता है, तो हम नेक्स्ट डे भी उसको आराम से खा सकते हैं। और यहाँ एंट्री होती है हमारे पहले पड़ोसी संदीप चावला जी और गुरप्रीत कौर जी फ्रॉम कठुआ जम्मू। किसे पता था हमारी बिरयानी खा के इतनी पसंद आ जाएगी इन्हें कि हमें दोबारा मिलने के लिए मुंबई में हमारे घर तक चले आएंगे सरप्राइज विजिट के लिए। यहाँ शहरों में पास में रखे पड़ोसी बनते नहीं हैं और हम लोग को 10 दिन में इतने नए नए पड़ोसी मिल गए। और यहाँ हमारे मेन लीडर की एंट्री हो रही है, विवेक शर्मा जी फ्रॉम कारो भारत। सर अभी आपको यही जगह मिलेगी अच्छी। एक बार
टाइम लगा। अभी आप पहले एक काम करो जी, पहले एक बार पार्क करके नास्ता पड़ा है उधर, टूट करो सर, आराम से आराम से। अरे नहीं छोड़ो यार, ये सब होता रहेगा, बोलो खाना खाए। ये कंफ्यूज जाएंगे, दांत देनी है, डांट देनी है, डांट डांट। अच्छा डांट डांट। चलिए बंद कीजिए, आइए खाना खा लीजिए। चलो बेटे, ए गुड़िया, ये मेरी सिस्टर है और ये मेरे देवर है, ये लोग भाई भाई हैं, हम लोग बहन। और ये हमारे फेमस वीर शर्मा जी की माता जी की विचार सुनिए, प्रॉपर वाइल्ड कैंपर्स लोग कैसे होते देखिए, उम्र का कोई तकाजा ही नहीं रहता। नॉर्मल नॉर्मल लाइफ और फिर नॉर्मल के साथ साथ, हाँ ये चारों तरफ जो प्रकृति के बीच में हम बैठे हुए हैं, ये वास्तव में स्वर्ग से बल्कि और देवता लोग यहाँ के लिए तरसते हैं पृथ्वी पर आने के लिए, और हम लोगों को भगवान ने वो सौभाग्य दिया है। यानी आपको भी अच्छा लगता है ये सब? अच्छा, मुझे 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 लगता है कि ये भी लड़के के लिए कर रहे हो कि क्या? जो लाइफ चल रही है ना, वास्तव में सब ऐसा फील करते हैं कि ये ओल्ड है, आप ये मत उठाइए, आप ये मत करिए, आप बर्तन, नो, जब तक सांस है तब तक चलना है, चलना है, सही है। हम लोग भी उसी में, मेरे को बच्चे सोते दादी आप ये रहने दीजिए हम कर लेंगे, मैंने कहा नो, अगर वो छोड़ दिया तो मैं गई। बराबर, वो छोड़ दिया, वो जिस दिन जाना वो प्रभु जो चाहेंगे ना, वो मुझे, मैं नहीं चल रही हूँ, वो मुझे ले जा रहा है। जो ये सोचते हैं ना वो ही चलते हैं, नहीं तो बैठ जाते। वो चला रहे हैं ना, जब तक वो चलाएंगे चलूंगी, सही है, अदरवाइज सब ज्यादातर टोकते हैं मुझे, अरे आप इसमें ऐसे कैसे, आपको थकान नहीं होती आप हर वक्त 5-5 महीने? मेरी यहाँ 73 आई आई, हमारी मम्मी भी आप एग्जैक्टली आपकी उम्र। नहीं तो वो हम तो यही सोचते हैं कि मैं हूँ कौन, कैसे कर पा रही हूँ, ये प्रभु करवा रहे हैं, ले जाना है वहाँ मेरी मृत्यु लिखी है तो लिखी है, तो मुझे डर किस बात का, ये सब पहले से है निर्धारित, हम लोगों का जीवन मृत्यु निर्धारित, अब उसको डर के हम डर डर के जिए, अरे खाई में ना गिर जाऊं, नो, गिरना होगा, गिरेंगे, कौन नहीं जाता, इसका आनंद दे रहे हैं प्रभु। तो डिश विश कुछ, सॉरी इट्स नॉट डन द बेस्ट, ये बेटा केक अर्धा केक, प्लम केक है, प्लम केक, नो इट्स अ प्लेन वेनिला केक, ये उठाओ, ठीक है, काफी है, काफी है, बस 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 बहुत है, वन मोर, नहीं नहीं बस 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 काफी है, ओके थैंक यू, थैंक यू मम्मी, हां केक टेक वन, ठीक है, हो गया, अच्छा, नहीं नहीं बहुत आ जाती है, आसपास में कोई महाराष्ट्रियन रहेगा तो समझ में। और चूल्हे पे बना बैंगन का भरता और ज्वार की भाकरी, और उसके बाद करण्याची भाकर और मिर्ची लहसुन का ठेसा, जिसपे सभी लोग फिदा हो गए। और ये बहुत ही बढ़िया थी, एकदम ऑथेंटिक टेस्ट था ये भाकरी का, अच्छा बहुत अच्छा था। अच्छा मुझे रेसिपी बताइए प्लीज। अच्छा, और ये है संदीप चावला जी फ्रॉम कठुआ, अभी देखिए कितने मासूम खरगोश जैसे लग रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि सबसे नॉटीएस्ट कैंपर ये है पूरे इस इंडियन ओवलेंस के कम्युनिटी में। 1 किलो ज्वार लेने का, उसको आधा किलो काली दाल या फिर अखा उड़ी, काली दाल या फिर अखा उड़ी, और उसमें 1 टेबलस्पून अच्छा सूखा मेथी, मेथी का दाना पीसना है, तो हाँ? अलग से पीस के डाल देने, वो सब मिक्स करने का, अच्छा। चक्की वाले को दे देने का, वो पीस, अच्छा अच्छा 2:1 रेशियो, मेथी का भी रेशियो होना चाहिए ना, 1 टेबल स्पून, अच्छा अगर हेल्थ कॉन्शियस है तो ज्यादा डाल दीजिए, थोड़ा जितना ज्यादा डालोगे अच्छा रहेगा, कड़वा लगता है ना, और ये उड़द की दाल से बाइंडिंग रहेगा ना, अच्छा ज्वार करोगे तो वो टूटती है, तो वो कभी भी गर्म पानी में, बॉइलिंग वाटर में,
ठेचा वो तो जाड़ा मिर्ची रहती है ना, ये देखिए ये ठेचा होता है मिर्ची वो, फिर उसमें थोड़ा दो तीन ड्रॉप मतलब एक टीस्पून ऑयल डालने का कढ़ाई में, कच्चा ही लहसुन डालने का, कच्चा लहसुन बहुत ज्यादा मतलब ऊपर से कच्चा तेल डालना। ये ना हमारे बनाते ना मक्की की रोटी तो है। लेकिन वो मक्की की रोटी मैंने खाया वो हैवी होती है, हैवी नहीं लगी अच्छा लेकिन लगी नहीं अच्छा लगी। और एक चटनी है महाराष्ट्र सुक्की जो है ना, हाँ डालने की वो भी मुझे बहुत पसंद है, पील वाला लाल वाली पील का सिंघाने का, फिर एक प्रॉपर लहसुन का भी आता है एक लहसुन को मैडम बोली कि ना दाल खा लो इसके साथ, कहने का पंजाबी टेस्ट नहीं देना चेक करने पहले इसको टेस्ट करना, दाल होगी वो तो हो गया वो तो हो गया। तो देखते ही देखते पहला दिन पूरा गुजर गया और हम अभी सेकंड नाइट में आ चुके हैं, जहां वैन लाइफ कपल ने अपनी ऑनेस्ट बार वैन के सामने एक कैंप फायर और अच्छा सा ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम बनाया हुआ है। और थैंक्स टू संदीप चावला जी, आज हमें रेडीमेड चिकन मिलने वाला है। इसी डिनर इन्विटेशन की वजह से हमारे घर के दोनों औरतियाँ जो रिलैक्स बैठी थी, और क्या चाहिए, कैंप फायर है, ऑर्केस्ट्रा है, खाना नहीं बनाना है, और देखो इन्होंने क्या था हल्का मचा दिया। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग क्लैप 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 क्लैप। ये भी जल्दी ना स्टैंडिंग एवोल्यूशन बनता है इनके लिए, इससे शुरू के लिए बराबर है ऑल टू स्टैंड अप एंड क्लैप फॉर देम। सो इन्हीं तालियों और वंस मोर के गुनगुनाहट के साथ आज का वीडियो लॉग खत्म करते हैं। अभी भी पावना में हम लोग दो दिन और है, इसके बाद महाबलेश्वर जाएंगे और आपको और यहाँ की कम्युनिटी कैंपिंग के बारे में बताएंगे और वाइल्ड काइकिंग कैसे की जाती है विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प वो दिखाएंगे आपको।